नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक साइंस का जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो साइंस का जो सेक्शन होगा, जो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एक एग्जाम के लिए साइंस का कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, क्वेश्चन मिलता है। तो इसी टाइप का वीडियो और ज़्यादा पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिले नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद आंसर मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप से मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं सबका। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सो हम यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड शुड बी देयर इन एडल्ट हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन होते हैं, एडल्ट हेल्दी पर्सन होते हैं, उनके शरीर में कितना लीटर ब्लड होना जरूरी है ना। उससे ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन कितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज के लिए, कितना ब्लड की ज़रूरत है। तो आप इसको ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं ना, कॉमेंट में लिख के आप बता सकते हैं। अदरवाइज मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है 4.5 से लेके 5.5 लीटर्स तक, ये क्या है रेंज है, दैट इज़ द नॉर्मल। दैट मीन्स एडल्ट पर्सन के शरीर में इतना मिनिमम आपको ब्लड होना जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर टू को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड। जब भी हम ब्लड का बात करते हैं, ब्लड में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा हो गया, है ना। सो बहुत सारा वहाँ पे चीज़ पाया जाता है ब्लड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंटेज है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज है 55% प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया। देन क्वेश्चन नंबर थ्री को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, ब्लड अपीयर्स रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ओके, ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है, किसके कारण रेड कलर का होता है, किस चीज़ के प्रेजेंट के कारण रेड कलर होता है। एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम बताना है, ठीक है। उस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन। ओके, डिले नहीं करूंगा मैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा। ओके, हेमोग्लोबिन है उसका करेक्ट आंसर। ब्लड अपीयर्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, इट इज अ पिगमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर को देखेंगे। फोर है हमारे पास में, विच ब्लड सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। देखिए, जो भी सेल होता है, जो भी सेल होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होना जरूरी है, लेकिन कुछ ब्लड सेल है जिसके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है, विच ब्लड सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैं कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको कमेंट में आप ट्राई कर सकते हैं आपका कितना सही होगा आप चेक करने के लिए। तो इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है RBC, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल डू नॉट कंटेन व्हाट, न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। देन क्वेश्चन नंबर फाइव को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास में, हेमोग्लोबिन इज ए। ओके, हेमोग्लोबिन क्या है। ओके, हेमोग्लोबिन का वर्क मैं बता देता हूँ। जो हमारा शरीर में जो होता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन को कैप्चर करने में, ऑक्सीजन को पकड़ने में काम आता है। दैट मीन्स हेमोग्लोबिन हैज़ द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है, दैट मीन्स इट कैन कैप्चर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैप्चर करने का एबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हेमोग्लोबिन क्या चीज़ है। तो ऑप्शन अगर मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन से क्या है, इट इज़ ए प्रोटीन। ओके, हेमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, याद रखेंगे हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। और भी तीन टाइप का इसका हेमोग्लोबिन के अलावा और तीन प्रोटीन्स होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ब्लड में टोटल चार प्रोटीन्स होते हैं, हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में देखेंगे, फाइव हो गया सॉरी, सिक्स को देखेंगे। सिक्स है हमारे पास में, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गेन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का। तो यहाँ पे कोई कोई दो चीज़ में कन्फ्यूज कर देते हैं, लीवर और स्किन में कन्फ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गेन का बात कर रहा है, लार्जेस्ट ऑर्गेन है स्किन। ओके, तो अगर लार्जेस्ट ग्लैंड बोला होता तो आप लीवर बोल सकते थे, तो यहाँ पे लार्जेस्ट स्किन का बात किया है, तो सॉरी लार्जेस्ट ऑर्गेन का बात किया गया है। लार्जेस्ट ऑर्गेन क्या है, स्किन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। देन क्वेश्चन नंबर सेवन को देखेंगे। सेवन है हमारे पास में, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट बोन कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट भी है और अगर बता दूँ वो स्ट्रांगेस्ट बोन भी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये है फ्यूमर, जो उसको बोला जाता है फ्यूमर, और थाई बोन, जो हमारा थाई है, पैर का जो थाई है, वहाँ पे ये फ्यूमर पाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑल्सो। देन क्वेश्चन नंबर एट को देखेंगे। एट है हमारे पास में, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन का नाम बताना है। स्मॉलेस्ट बोन जो है हमारे कान में पाया जाता है। आपको बता दूँ हमारे कान में, ओके, तीन बोन्स होते हैं, छोटे छोटे तीन बोन्स होते हैं, उसमें से सबसे छोटा बोन एक है, हमारे शरीर का सबसे छोटा बोन वहीं पे है। तो सबसे छोटा बोन का नाम है स्टेप्स। ओके, इसको क्या बोला जाता है, स्टेप्स, एंड इट इज़ फाउंड इन द इनर ईयर। जो कान होता है, कान का तीन पार्ट होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो इनर ईयर में क्या होगा, ये स्टेप्स पाया जाता है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एट हो।
क्वेश्चन नंबर नाइन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास में, क्या है हमारे पास, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट ऑर्गेन कौन सा है? अभी हमने लार्जेस्ट ऑर्गेन देखा, लार्जेस्ट ऑर्गेन स्किन था, और स्मॉलेस्ट ऑर्गेन कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेन है हमारे शरीर में, ये ब्रेन पे पाया जाता है, इट इज ए पिनल ग्लैंड। पिनल ग्लैंड जो है हमारे सर पे है, ब्रेन पे है, वहाँ पे उस पार्ट में ये पिनल ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया। टेन को देखेंगे। टेन है विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा है? आपको हिंट के तौर पे बता दूं, ये जो लार्जेस्ट सेल है फीमेल बॉडी में पाया जाता है, ओके, मेल बॉडी में नहीं पाया जाता है। लार्जेस्ट सेल इज द ओबम। ओबम दैट इज द फीमेल सेक्स सेल जो है उसको, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है हमारे पास में, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म सेल, दैट मीन्स मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, स्मॉलेस्ट सेल मेल में पाया जा रहा है और लार्जेस्ट सेल जो है फीमेल में पाया जाता है। और यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं करना, लॉन्गेस्ट सेल अगर बोला जाएगा तो नर्व सेल है लॉन्गेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के अलावा भी लॉन्गेस्ट पूछ जाएगा तो आपको क्या बोलना है, नर्व सेल बोलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। देन 12 को देखेंगे। 12 है विच इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट मसल कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट मसल कौन सा है? ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं बैक साइड जो हिप है, हिप एरिया में पाया जाता है, इस मसल को बोला जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस और बुटॉक। ओके, इसको बोला जाता है बुटॉक मसल, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है इसको मैं आपको दिखा दूँ डायग्राम के थ्रू। दिस इज द व्हाट, ग्लूटियस मैक्सिमस है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस इस एरिया को, ये जो मसल से ग्लूटियस मैक्सिमस जो हिप एरिया का जो मसल से, ओके, इसको बुटॉक मसल भी बोल जाते हैं। ये बहुत ही लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल से, ठीक है। देन 12 हो गया। 13 को देखेंगे। 13 है विच इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट मसल अगर बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट मसल है, ये भी कहाँ पे पाया जाता है? कान में पाया जाता है। जैसे स्मॉलेस्ट बोन था स्टेप्स, उसी तरह से उसी बोन को सपोर्ट करते हुए रहता है स्टेपडिया। ओके, स्टेपडियास मसल जो है सपोर्ट द स्टेप्स इन द ईयर। तो कहाँ पाया जाता है इसको मैं भी दिखा दूँ डायग्राम के थ्रू। देखिए ईयर ड्रम हो गया, ये ईयर ड्रम हो गया, और यहाँ पे ये स्टेप्स हो गया। स्टेप के साथ में जो मसल्स जुड़ा हुआ है वो मसल्स है स्टेपडियास मसल, ठीक है, स्टेपडियास मसल। तो ये मसल है स्मॉलेस्ट मसल, ठीक है। देन 14 को देखेंगे। 14 है क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट, इसको हम एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे इसका हम आंसर देखेंगे, इसको आंसर देखेंगे एट द एज ऑफ 20। इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एट द एज ऑफ 20 एवरेज वेट ऑफ मेल ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम, दैट मीन्स कितना, 1.4 kg है ना, 1.4 kg होता है। तो लेकिन जैसे एज बढ़ जाता है 65 के एज में, वही ब्रेन घट के कितना होता है, 1.3 kg का हो जाता है, दैट मीन्स 1300 ग्राम का हो जाता है। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन क्या है, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 है हमारे पास में, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन हेड। ओके, जो हेड एरिया है, जो ऊपर का जो हेड पार्ट है, उसमें कितना बोन्स पाया जाता है, ठीक है। हेड जब भी बात करते हैं, यहाँ पे दो टाइप का बोन होगा, एक तो फेशियल बोन होगा, एक तो क्रेनियम बोन होगा, ठीक है। एक दिन मतलब ये सर के ऊपर का और चेहरे का जो बोन होगा, दोनों को मिला के हम बोलते हैं हेड एरिया होता है। तो 22 बोन्स है हमारे पास, कितना बोन है, 22 बोन है, 8 क्रेनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन, ठीक है। इसको मिला के हमारे पास में कितना 22 बोन्स है हेड रीजन में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिस्कस किया 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो था साइंस से रिलेटेड, जो बेसिक साइंस है। बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा आने वाला वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।